नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। तो करीना कपूर ने कुछ घंटे पहले ही अपनी किताब करीना कपूर खान्स प्रेगनेंसी बाइबल दी अल्टीमेट मैनुअल फॉर मॉम्स टू बी को लॉन्च कर दिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर बुक लॉन्च से जुड़ा वीडियो भी शेयर किया। उन्होंने वीडियो शेयर कर लिखा है कि करण जौहर के साथ मेरी बुक लॉन्च हो रही है। उन्होंने आगे लिखा कि सारस ने बच्चे को गिरा दिया है और अब दुनिया के पढ़ने के लिए ये बाहर आ चुकी है। वे आगे लिखती हैं कि अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं नर्वस और उत्साहित दोनों ही फील कर रही हूं। इस पर आपके विचार सुनने का मेरा इंतज़ार रहेगा। ये बुक फैंस के लिए भी काफ़ी खुशखबरी लेकर आई है। आपको बता दें दोस्तों कि इस बुक के ज़रिए करीना ने अपने छोटे बेटे का असली नाम भी रिवील कर दिया है। आपको जान के हैरानगी होगी कि करीना और सैफ अली खान ने अपने छोटे बेटे का नाम एक मुग़ल शासक के नाम पर रखा है। कौन है ये मुग़ल शासक, आइए आपको बताते हैं। तो पिछले महीने यानी जुलाई में ही ये बात सामने आई थी कि करीना ने अपने बेटे का नाम जय रखा है। इतना ही नहीं, नाना रणधीर कपूर ने बताया था कि अभी छोटे जो उनका नाती है उसको घर पर सभी लोग जय कर ही बुला रहे हैं, लेकिन अब वो नाम सामने आ गया है जो उनका रियल नाम है, जो उनका पूरा नाम है। तो करीना कपूर ने इसी साल 21 फरवरी को अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया था। बेटे के जन्म के बाद से ही करीना सैफ ने ना तो लाडले का चेहरा दिखाया था और ना ही नाम शेयर किया था। तभी से सोशल मीडिया पर फैंस लगातार कपल से बेटे का चेहरा दिखाने और नाम रिवील करने की अपील कर रहे थे। दोस्तों आपको बता दें कि जब तैमूर पैदा हुआ था तो उसका चेहरा और नाम तुरंत फैंस के सामने आ गया था। तैमूर को जमकर लाइमलाइट मिली थी। हर पल मीडिया फोटोग्राफ सिर्फ तैमूर की ही फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए बेताब रहते थे। इसके साथ ही करीना सैफ काफ़ी परेशान भी हो गए थे। करीना सैफ नहीं चाहते थे कि तैमूर की तरह ही उनके छोटे बेटे को भी लाइमलाइट मिले और यही वजह थी कि वे लाडले को कैमरा मैन से दूर रखने की कोशिश करते रहे थे। इतना ही नहीं, तैमूर के नाम को लेकर भी कपल की जमकर ट्रोलिंग हुई थी, कॉन्ट्रोवर्सी का शिकार भी बने थे और लोगों ने उस नाम को लेकर कई आपत्ति जताई थी। अब आपको बता दें कि करीना ने अपनी प्रेगनेंसी पीरियड पर जो किताब लिखी है उसमें उन्होंने अपने दोनों बेटों की झलक भी दिखाई है, जिसमें एक्ट्रेस ने अपने दोनों बेटों तैमूर और अपने दूसरे बेटे का झलक भी इस बुक में देख सकते हैं। और दोनों प्रेगनेंसी को लेकर कई सारे खुलासे जो हुए थे वो भी इन्होंने किए हैं। अब हाल ही में करीना एक बार फिर छोटे बेटे की फ़ोटो शेयर करती दिखी हैं। इस फ़ोटो में उन्होंने तैमूर के बचपन की फ़ोटो के साथ छोटे बेटे की फ़ोटो को शेयर किया, लेकिन फिर उनके चेहरे को छुपा दिया। करीना ने लिखा कि मेरी ताकत, मेरा गर्व, मेरी दुनिया, मेरी प्रेगनेंसी बुक मेरे दोनों बच्चों के बिना संभव नहीं थी। अपने पोस्ट में उन्होंने कुछ इमोजी भी शेयर किए हैं और इस पोस्ट को लोग काफ़ी लाइक भी कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने अपने दूसरे बेटे का जो नाम रखा है वो है जहांगीर। जी हाँ, जहांगीर नाम से उनका दूसरा बेटा जो है उसे नाम दिया जाएगा। जहांगीर अली खान पूरा नाम दूसरे बेटे का होने वाला है और इसको लेकर भी लोगों की अलग अलग रिएक्शन सामने आ रही हैं। आपका क्या मानना है दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।